हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार, आज हम बात करेंगे पुण्य और पाप के बारे में। ये पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है? ठीक है, देखिए अभी 22 जनवरी को राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, जन्मों के पाप धुल जाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जन्मों के पाप कैसे धुल जाएगा? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक है, मैं बताने जा रही हूँ, उसके अनुसार जो आपको लोग को अच्छा लगेगा बताना। लोग कहते हैं, वो पुरानी कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और यहाँ पर कहा जाता है राम आएंगे तो जन्मों के पाप धुल जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये तो एक गाना है, लोग काशी नहाने जाते हैं, बद्री नारायण, पता ना कौन कौन स्थान तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं कि जो पाप किया है वो सब धुल जाएगा, मिट जाएगा, गंगा नहाते हैं रोज। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये बताइए, ये मिट्टी का शरीर है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है इसे। तो ये जो शरीर है हम लोग का, इसमें पाप नहीं है, बिल्कुल भी इसमें पाप नहीं है। पाप तो आपके मन में है, पाप छल कपट आपके मन में है। अगर काशी नहाने जा रहे हैं, गंगा रोज नहा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन यात्रा करने जा रहे हैं, इसमें पाप नहीं है, इसमें को पाप नहीं है। ये तो एक मिट्टी का शरीर है, पाप तो आपके मन में है। अगर मन साफ रहेगा तो आपकी यात्रा करने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता है। मुंह में राम, बगल में छुरी। आजकल के जमाने में ये है। आजकल के जमाने में बहुत कम ही लोग अपना मन गंदा नहीं करते हैं, लेकिन बाकी सब है, मन में बहुत सारा पाप है, बहुत सारा पाप है। अब बोलेंगे नहीं, हमारा तो मन बिल्कुल साफ है, पूरा गंगा जल की तरह पवित्र हूँ, दूध से धुली हुई हूँ। क्या गारंटी है कि आप दूध से धुले हुए हो या धुली हुई हो? कुछ गारंटी है? कहने पर बोलोगी मेरे खून का कतरा कतरा निकाल के देख लो, बिल्कुल मैं गंगा जल की तरह पवित्र हूँ। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। गंगा जल की पवित्र तो वो लोग होते हैं जिसके मन में बिल्कुल पाप नहीं रहता है, छल कपट नहीं रहता है। वो बस दुनिया के बारे में नहीं सोचेगा, बस अपने बारे में सोचेगा। हाँ, मेरी बेटी बेटा बहू नाती पोते सब सुखी से रहे, मुझे भी एक रोटी दे, अच्छे से दिन बीते रात कटे। और क्या चाहिए बूढ़े आदमी को? एक दिन तो सबका उम्र ढलता है, तो आजकल के तो उम्र भी ढल जाता है तो घमंड वही रहता है, भले ही रस्सी क्यों ना जल जाए पर ऐठन नहीं जाता है। तो वही सब पाप है, मन में पाप है, आपके शरीर में पाप नहीं है। आपका शरीर तो मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है सबको। अपना मन आप सब साफ करिए, शरीर नहीं मन साफ करिए। दूसरे के प्रति अपने मन में छल कपट ना रखो कि ये ऐसी है वैसी है। आप सब अपना देखो, दुनिया के बारे में देखने से पहले या दुनिया के घर वाले। अब आप ही बोलो, अभी कुछ हुआ तो दो औरतें बैठ जाएगी, अभी पड़ोसी के घर में ना कुछ ऐसे किची किची हो रहा था, लगता है बहू और सास में झगड़ा हुआ है या ननद भौजाई में झगड़ा हुआ है। यही सब पाप है।
दुनिया के घर में झांकने से पहले अपने घर में झांक लीजिए, उसके बाद आप फिर देखिए कि आपके घर भर में कितना इज्जत होता है। आप अपना घर संभालिए, घर के परिवार को देखिए, जमाने को मत देखिए, यही पाप है। जमाने को देखो, जमाने के बारे में सोचो, बुरा बुरा ख्याल आता है, यही सब पाप है। आपके शरीर में पाप नहीं है। तो यात्रा करने से पहले अपना मन साफ कर लीजिए, तब यात्रा पर निकलिए। और मन साफ रहेगा तो यात्रा की जरूरत ही नहीं है। बस राम 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 करते रहिए, घर में बैठ के दो रोटी खाते रहिए, बहू के साथ हंसते रहिए, खेलते रहिए, बेटी भी आई उसके साथ भी मस्ती कीजिए, ये झगड़ा झंझट छल कपट इन सब से दूर रहिए, तभी तो राम आपके साथ देंगे। और गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक स्टार तो बनता है गाइस। आप सब मेरा वीडियो देखने से पहले फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे मेरे बात, एक स्टार मुझे जरूर देना, ठीक है। और वीडियो के नीचे जो लिखा रहता है स्टार वाला दीजिएगा, कि कोई और स्टार मत दीजिएगा गलती से, ठीक है। तो हम चलते हैं, नमस्कार, अब आगे मिलेंगे।